अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सुफियान अंसारी और मेरे पीछे खड़े हुए हैं अब्दुल रहीम खान एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो आज है लास्ट रोजा और हम लोग जा रहे हैं कोकोनट ग्रूव इफ्तार के ऊपर। कोकोनट ग्रूव का खाना तो बहुत मजे का होता है, आज वहाँ का बुफे भी ट्राई करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा है। सो गाइज हम लोग रेडी हैं, मैं अभी अभी आया हूँ सुफियान के पास, सुफियान बिल्कुल रेडी और अभी इनको जाना भी है रहीम साहब को सर्विस। हाँ मुझे आज जो है मैं जाऊंगा बाल और बियर्ड बनवाने। गैस मैंने तो कल आज बनवा लूँ ना, सही है ना। मैंने तो गैस कल क्या कहते हैं कल करवा लिया था रोज से, अब मैं रिस्क ले रहा हूँ सुफियान लोगों का जो है और फेशियल और बाकी हेयर कट और बियर्ड अभी अब्बास आएगा रात को तो उससे करवाऊंगा। सो गाइस इनका तो हेयर ड्रेसर घर पे आता है, मुझे जाना है। उसके बाद मुझे बोलने दो, मेहंदी भी लगने वाली है। हाँ और तो और मतलब ये इन्होंने हिंट दे दिए कि ये मेहंदी लगवाएंगे अपने हाथों पे, गजब बेइज्जती है। सो गाइस हम लोग रेडी हैं, सब रेडी हैं, लेट्स गो फॉर इफ्तार एट कोकोनट ग्रूव। सो हम निकल रहे हैं अब कोकोनट ग्रूव के लिए। आ जाओ सुफियान, और यहाँ पे हरमेश का ब्लॉग बन रहा है। तो बस अभी वहाँ निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और आपको अपडेट देते हैं। लिफ्ट भी आ गई है, लेट्स गो। एक सीन ये हुआ है कि अभी आज एक ही डाला जा रहा है तो मेहमान ज़्यादा हैं, हम लोगों ने बुक करवा ली है यांगो। हम यांगो में जाएंगे, बाकी लोग डाले में निकल गए। यांगो नहीं बाइक है, एक ही बात है और बाइक है। हम निकल गए के लिए और रास्ते में हम लोग पूछ रहे हैं कोकोनट ग्रूव और मैं रहीम को करने वाला हूँ पिंजरे में बंद। इस पिंजरे में बंद मैं होने वाला हूँ, बुफे सीन है तो देख सकते हैं आप रश। और दोनों इफ्तार बुफे दोनों कंबाइंड है। अभी हम लोग यहाँ से अपनी प्लेट्स बनाते हैं और फिर रोज़ा खुलने में कितना टाइम रह गया है, रोज़ा खुलने में 10 मिनट रह गए हैं पूरे पूरे। गाइस बहुत बाहर आवाज़ भी निकल रही, बाहर बहुत रश है तो बड़ी इतिहास लड़के ना मैंने जो है ये प्लेट बनाई है। मेन्यू काफ़ी अच्छा है ना, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है, मेरे पास खुद ही आ गया। मैंने बस मेन्यू काफ़ी अच्छा है, ये सुफियान की प्लेट है, सुफियान की प्लेट आगे लाओ। भाई मेन्यू में हमारे पास बाहर है ना तो मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। फ्राइड राइस थे, बिरयानी थी, बिरयानी तो लाया सकते हैं आलू गोश्त, और ये कोई फ्राइड आइटम है, विंग्स हैं, रोल है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ें गाइस हमारे पास। गाइस ये हमारी टेबल, हम बैठ गए। और रोज़ा खुलने में सुफियान कितने मिनट रहते हैं? रोज़ा खुलने में हैं 2-3 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट रह गया है रोज़ा खुलने में। 51 पे, 51 पे, 52 पे, 51 पे, 52 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 पे। मोमेंट्स लेटर खाना खा लिया था और खाना बहुत बहुत मज़े का था। रही आपको कैसा लगा? अब हम खा रहे हैं ऑलमोस्ट सारी डिशेज, क्या कहते हैं 9 out of 10 है ना। और अब ये रहा डिज़र्ट, हम ले चुके हैं।
और डिजर्ट खाने के बाद हम लोग जाएंगे वापस अंदर काशीस। हमारे खा के बिल्कुल पैक हो चुके हैं, फुल पैक। आज हमारे साथ इहान भी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब बोल तुम बोल दो। ये इनकी मम्मा है, ये इहान की मम्मा है। और गाइस ये गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन बहुत मज़े, हर चीज़ बहुत मज़े की है। ये जलेबल हम, और वो सबसे मज़े का पता है मुझे क्या लगा है? मुझे तो गाइस बिरयानी 5 किलो जलेबी बांट लो। आज का हमारा ये है 5 किलो जलेबी बांट लो। आई आई ये क्या बोल रही, 5 किलो जलेबी बांट लो, बांट दें, बांट लो। So guys, हम लोग बस खाना खा चुके हैं, सब बाइंड अप हो गया है और अब हम बस थोड़ी देर में मेरी फेवरेट नाच चल रही है। हम काशीस के लिए निकलेंगे, मैं अपनी फेवरेट नाच सुन, लेकिन हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा वीडियोज बनाना अलाउ नहीं है काशीस में।